कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दे डाली है। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट से सियासत में भी हलचल बढ़ गई है। दरअसल बुधवार की रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि आज ही 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की मीटिंग से पहले प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। वहीं यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये नौबत आ गई, अब किसी कांग्रेसी को ही लड़ा देते। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिखते हैं। 12 जुलाई को भी उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर कटाक्ष किया था। दरअसल यशवंत सिन्हा ने कहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा और सरकार को ऐसा करने से भी रोकूंगा जिससे प्रजातंत्र का हनन हो, जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराना। बता दें कि यशवंत सिन्हा ने बयान दिया था कि राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा और सरकार को ऐसा कुछ भी करने से रोकूंगा। यशवंत सिन्हा ने यह बयान लखनऊ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बैठक में कहा था। बस इसी बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी खेमों में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत भी गहराती जा रही है और अब प्रमोद कृष्णम के बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी भी तेज हो गई है। यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, आरजेडी, केरल कांग्रेस एम जैसे कई दलों का समर्थन भी मिल चुका है। सिन्हा को विपक्ष के कई दलों ने बड़ा झटका दिया है। इनमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, अकाली दल, टीडीपी, बीएसपी शामिल है। यहां तक कि शिवसेना उद्धव गुट ने भी सिन्हा को समर्थन नहीं दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और नतीजे की घोषणा 21 जुलाई को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।